सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस अपडेट में दो एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूं। एक जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा होने वाला है जो कि आपको दिल्ली से कनेक्ट करेगा महारानी बाग से, और वाया फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए लेकर आएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पे, तो वही आज आपको दिखाने वाला हूं। और तो और दिखाने वाला हूं जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे का भी काम। ये जो दिल्ली के महारानी बाग से जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है और जो मेन अलाइनमेंट यहाँ पर कनेक्ट करेगा, ये 60 किलोमीटर का है। इसमें से तकरीबन 25 किलोमीटर का हिस्सा ग्रीन फील्ड है, मतलब नया अलाइनमेंट है, और रिमेनिंग जो हिस्सा है वो ब्राउन फील्ड का है। पुराने दिल्ली फरीदाबाद रोड को ये लेन ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो इसका ग्रीन फील्ड का हिस्सा होने वाला है। इसमें ये देखना है कि 60 किलोमीटर में से कितना हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है जिस पे आप ड्राइव कर सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, हमें और आपको मिलकर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखना है, और इससे ये भी पता चलता रहेगा कि कितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। हाँ, हमारे सबसे फेवरेट परियोजना पे, जिसे ये कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। वैसे बता दूँ तो आज गला थोड़ा ख़राब है भाई, लेकिन क्या है ना, काम तो करना बनता है ना भाई। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, ये है खलीलपुर, हरियाणा में। यहाँ पर इंटरचेंज बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, और यहाँ पर इंटरचेंज जो आप देखोगे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटरचेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर एनएचआई ने बनाया है। सोना से स्टार्ट होकर जो हरियाणा में आता है और राजस्थान के सवाई माधेपुर तक लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इनफैक्ट ये तो ओपन भी है, इस पे आप ड्राइव कर सकते हो। तो बात इसकी नहीं करने वाला हूं मेन अलाइनमेंट की, बात करूंगा उस हिस्से की जो कि दिल्ली से होकर आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली के महारानी बाग, यानी कि यहां से जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो फ्लाईओवर, जिसका अपडेट मैंने कुछ दिन पहले ही दिखाया था, इससे कनेक्ट करते हुए आप जब आगे की तरफ जाओगे तो यहीं पर आकर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करोगे। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है, और एक्सप्रेसवे जैसा कि मैंने आपसे कहा पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो इसीलिए इस पे व्हीकल का मूवमेंट भी आपको देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे स्लो मूविंग व्हीकल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वैसे कुछ खास आपको काम देखने को मिलेगा नहीं, इंटरचेंज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मेन जो अलाइनमेंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। इनफैक्ट इसका जो स्पर का हिस्सा देखोगे तो ये भी बनकर तैयार हो चुका है। यही है जो कि दिल्ली को आपको लेकर जाएगा। इस तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा, लेकिन पहले एक और चीज आपको दिखाता हूं। यहां पर वैसे कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा जो यहां पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया होने वाला है, जैसे कि वेसाइड एमिनिटीज बोलते हैं, उस पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और उसकी फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। बेसिकली उसको पेंट जो करना है ना, उसी का काम करती हुई आपको यहाँ पर टीम नजर आ जाएगी, और वही काम यहाँ पर किया भी जा रहा है। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि ये सब क्यों बना रहे, तो भाई ये वही जगह होने वाला है जहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ ही साथ फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, गैस स्टेशन, सब कुछ की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हॉस्पिटल से लेकर होटल मोटल से लेकर वॉशरूम तक की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो सारी फैसिलिटी इन शॉर्ट जो आपको चाहिए वो यहीं पे एनएचआई प्रोवाइड कर रही है, और इसी वजह से आपको इतने सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक और चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जब इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एक एक्सप्रेसवे दूसरे एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसके नीचे से जो गुजर रहा है इसे बोलते हैं केएमपी एक्सप्रेसवे, जिसे कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। और जब आप ईस्टर्न को ऐड कर देते हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, तो ये बन जाता है दिल्ली एनसीआर का रिंग रोड। जी हाँ, एनसीआर का रिंग रोड है, और ये पूरा एक्सप्रेसवे की फॉर्म में ही है, और यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे का है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, इसी वजह से यहां पर इंटरचेंज बनाया गया, और ये भी इंटरचेंज एक्टिव है भाई, और इससे भी आप अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हो। ये भी इंटरचेंज का हिस्सा है दोस्तों,
तो जब आप फरीदाबाद की तरफ से आओगे, दिल्ली की तरफ से आओगे, तो अगर आपको जाना है गुड़गांव की तरफ या फिर अगर आपको जाना है केएमपी की तरफ, तो यहीं से आप कनेक्ट करोगे। इसी वजह से ये इंटरचेंज यहाँ पर बनाया गया है। इस हिस्से से आगे जब हम आप बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ, फरीदाबाद की तरफ, तो आपको दिखेगा कि इसका जो स्पर का हिस्सा है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। अभी तक तो इसका ड्रोन शॉट देखा है भाई, अब इस पे ड्राइव करके भी देखते हैं कि कितना आनंद आता है अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो चलिए चलते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यहाँ पर ना WDFC की लाइन क्रॉस कर रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के स्पर को। वैसे ये जो जगह है ना जहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाया गया है, एक्चुअली ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है, ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये बनाया गया है ताकि हम और आप NH44 को क्रॉस कर सकें। तो इस वक्त पे मैं NH44 के ठीक ऊपर से होते हुए जा रहा हूँ इस फ्लाईओवर की मदद से, और यहाँ का ड्रोन शॉट का अगर नज़ारा देखोगे तो बहुत कमाल का है, क्योंकि NH44 जो है वो अपने देश का सबसे लंबा हाईवे है भाई।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हाईवे जाती है और उसी हाईवे को ये क्रॉस कर रहा है इस जगह पर। ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, यहां पर दो एक्सप्रेसवे का संगम होने वाला है। एक जो कि होने वाला है जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे, जो कि 22 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जिसपे भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा। और जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां से जेवर एयरपोर्ट आप 15 मिनट में पहुंच जाओगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट होने वाला है दोस्तों। कमाल का ये भी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसका भी अपडेट मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था, लेकिन आज अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन का काम तो आपको पता चलेगा कि अच्छा खासा काम यहां पर हो चुका है। और अब आपको फाइनली पिलर्स भी देखने को मिलते हैं, और ये पिलर्स बनाए जा रहे हैं ताकि यहां पर इंटरचेंज का निर्माण किया जा सके, जिस इंटरचेंज की मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे से, और उसी का काम करते हुए आपको यहां पर टीम नजर आ जाएगी। इस जगह पर पिलर का फाउंडेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब यहां पर पिलर बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहां पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है ये है आपको, तो उसी कंपनी द्वारा ये जेवर एयरपोर्ट का जो पूरा एलिमेंट है 22 किलोमीटर का, उसके ऊपर काम किया जा रहा है और जल्दी इसका अपडेट आने वाला है। अभी फिलहाल यहां पर देखोगे तो इस तरफ तो पिलर निर्माण का काम किया जा रहा है, इसी तरफ जेवर एयरपोर्ट को ये जाएगा, इसी तरफ है जेवर एयरपोर्ट। और जेवर एयरपोर्ट का अपडेट भी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिया था। टोटल ये जो दिल्ली का अलाइनमेंट है जो आ रहा है दिल्ली से और मेन अलाइनमेंट पे कनेक्ट होगा, तो इसमें से 27 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है 60 किलोमीटर में से। अभी 33 किलोमीटर हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, और इसी तरफ ये कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है वो मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा कि कितना कुछ इस पर काम हुआ है, इस वाले हिस्से पे जो कि ब्राउन फील्ड का है, मतलब जो पुराना रोड है ना उसी में लेन ऐड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस जगह को देखकर तो दिल खुश हो गया। दो एक्सप्रेसवे का काम एक ही फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है, क्या कमाल का दृश्य है भाई। तो चलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो में दो एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूं, वो आपको दिखी गया होगा। तो इसी नोट के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।